क्लास सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर में क्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं वो या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस एंड दिस. मैं आपको एक समझाती हूँ, आप एक खुद से करिएगा. ठीक है, स्टार्ट. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2/3 × 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 × 1/6. तो हमको क्या करना है, पहले हमको क्या बताता है कि बॉड मास, BODMAS, मतलब पहले हमको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेटिव करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन में ये आ रहा है. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये 3 3 को कैंसिल कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है तो 3 1 is 3, 3 2 are 6. ओके, तो अब यहाँ पर क्या बचा, -2 और यहाँ पर 5. अब ये प्लस और एज इट इज़ ये लिख देंगे, और ये माइनस के साइन माइनस, और ये 1/1 और 5 × 2 = 10. ओके, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस के साइन है, तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं. एलसीएम निकालेंगे तो आंसर 10 आएगा. ओके, तो नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही हम ऊपर भी करेंगे, तो × 2 और × 2, क्योंकि 5 2 are 10. मतलब हमको नीचे, मतलब ऐसा नंबर लाना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जहाँ आंसर हमारा 10 आएगा. तो ये हमारा 5 × 2, तो नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2 करेंगे. यहाँ पर 2 × 5, क्योंकि 2 5 10 होते हैं, तो नीचे 5 ऊपर भी 5, और यहाँ पर 10 ऑलरेडी है तो × 1, तो ऊपर भी × 1. ओके, तो माइनस के साइन है तो माइनस, और 2 2 are 4, 5 5 are 25, और प्लस की साइन माइनस की साइन, और 1 is 1. ओके, अब ये 4 और 1 माइनस माइनस है, तो अगर हम लोग माइनस माइनस 4 है, लाइक माइनस 4 और माइनस 1 है, तो हम इसको माइनस 5 करेंगे. ठीक है, तो ये माइनस 5 और प्लस 25 एज इट इज़. अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमको माइनस करना है. तो 25 - 5 = 20/10. 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा. ओके, तो सेकेंड वाला भी आप खुद से ऐसे ही कर लेना. देन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऐसा होता है कि a + b = 0. हमें ऐसा कुछ करना है, नहीं सॉरी, एडिटिव इनवर्स में ऐसा होता है कि आप कुछ ऐड कर रहे हो. ओके, और मतलब उसका एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि उसका ऑपोजिट, लाइक उसका जो हमारा जो भी नंबर है उसकी ऑपोजिट साइन में करना होता है. ओके, तो जैसे अभी ये 2/8 है, तो यहाँ पे हम -2/8 कर देंगे. -5/9 है, -5/9 है, तो सेकेंड वाला -5/9 = +5/9 हो जाएगा. ठीक है, अब थर्ड वाला क्या है, -6/-5, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, और आंसर हमारा ये तो फिर प्लस में हो गया, राइट. तो ये प्लस में हो गया, तो हम उसको माइनस के साइन में चेंज कर देंगे. अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 2/-9. तो लाइक अगर ऐसा है 2/-9 और 2/-9 और ऐसा दिया हुआ है -2/9, तो ये तीनों इक्वल है. लाइक हम ऐसा यहाँ पर भी माइनस की साइन डाल सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस की साइन डाल सकते हैं, लाइक डाल तो नहीं सकते, लेकिन अगर आ गया तो हमको देखना है कि वो तीनों एक जैसे ही है. तो जैसे यहाँ पर माइनस की साइन थी तो हमने उसको प्लस कर दिया, वैसे यहाँ पर माइनस की साइन है, नीचे माइनस की साइन है, तो हम उसको प्लस कर देंगे. ओके, यहाँ पर कैसा है, 19/-6, तो इसको भी हम वैसे ही कर देंगे. ओके, ये तो मैंने पूरा ही करवा दिया. अब यहाँ पर क्या है, वेरीफाई दैट -x = x. अब हमको ये दो सॉल्व करना है, मैं एक कर देती हूँ, आप एक खुद से कर लीजिएगा. ओके, तो फर्स्ट क्या है, x = अपने को क्या दिया गया है कि 11/15, तो इन दोनों का हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे. अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी हमारी साइन है उसका ऑपोजिट. तो ये प्लस में है तो इसको हमने माइनस में कर दिया, ये भी प्लस में है तो हमने इसको माइनस में कर दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये x, तो इसका पॉजिटिव, फिर ये हम दोनों, मतलब इसका हमको एडिटिव इन्वर्स में क्या करना था कि ऐसे कोई दो नंबर्स जिसको प्लस करने पर हमारा आंसर 0 आ रहा है. ओके, तो ये नंबर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये इसको मैंने माइनस की साइन लेकर यहाँ पर प्लस कर दिया, क्योंकि हमको प्लस करना है, एडिशन करना है, एडिटिव इन्वर्स है ना, तो हमको प्लस करना है. और अगर ये भी प्लस रहेगा तो प्लस प्लस करके इसका आंसर एक्स्ट्रा आएगा, मतलब लाइक 0 नहीं आएगा. और यहाँ प्लस माइनस है तो हम कैसे हो जाएगा, 11/15 - 11/15 = 1, माइनस करके आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए हमको ये माइनस की साइन लेना पड़ा.
ओके, अब हमको ये वेरीफाई करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये माइनस 11 अपॉन 15 हमारा माइनस एक्स, ये ले लिया मैंने ओके, ये वाला, और ये वाला मैंने ले लिया, सॉरी ये वाला मेरा यहाँ पर है। अब मैं इसको क्या करूँगी, उठाकर मैं इसको इधर ले आऊँगी। अब जब मैंने इसको उठाकर इधर ले आया है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी माइनस में है साइन। अब मैं इसको उठाकर इधर ले आऊँगी तो ये माइनस 11 अपॉन 15 हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये प्लस की साइन है, जब इक्वल टू के इधर साइड जाएगा तो वो माइनस की साइन हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस 11 15 और ये माइनस 11 अपॉन 15 हो गया, ठीक है? तो अभी हमको क्या देखना है कि ये साइन हमको खाली चेंज करनी है। ये माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस हमको लगा देना है, और यहाँ पे प्लस माइनस की साइन है तो यहाँ हमको प्लस की साइन लगा देना है। अब ये हम लोग ने ऐसा कर दिया, माइनस की साइन यहाँ लगा दिया, यहाँ पर प्लस की साइन लगा दिया। तो ये क्या है, ये हमारा ये है माइनस एक्स, तो ये माइनस की साइन एज इट इज़ और ये माइनस एक्स, ओके? और ये क्या है, 11 अपॉन 15 एक्स है, तो यहाँ मैंने एक्स, तो ये वेरीफाई हो गया है, ओके? बाकी ये सेकेंड वाला आप खुद से करिए, ठीक है? अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, लाइक दो नंबर हमको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर वन है, लाइक ए इंटू वन अपॉन ए इक्वल्स टू वन। क्यों? क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ वन बचेगा, और अगर माइनस वन लाइक माइनस ए अपॉन माइनस ए कर रहे हैं तो ये भी कैंसिल होकर हमारा वन होगा। बट अगर माइनस ए इंटू अपॉन ए होगा तो ये दोनों कट नहीं होगा, और अगर कट भी हो गया तो ये हमारी माइनस की साइन बचती है तो हमारा आंसर वन आएगा। बट हमको आंसर क्या चाहिए, ओनली वन चाहिए, माइनस वन नहीं चाहिए, ओके? हमारा आंसर माइनस वन नहीं आना चाहिए, ओके? तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाला सिखाऊंगी जो थोड़ा ट्रिकी है, बाकी आप सेम सम है तो आप खुद से कर लीजिएगा, ओके? नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट वन, माइनस 13 है, तो माइनस 13 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगी जिसका आंसर मेरा 1 आएगा? तो 1 अपॉन माइनस 13 कर दूंगी तो ये दोनों कैंसिल होकर मेरा आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया है यहाँ पर। अब सेकेंड वाला क्या है, माइनस 13 अपॉन 19 है, तो मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगी जिससे आंसर मेरा 1 आएगा? तो मैंने इंटू करके 19 अपॉन माइनस 13 कर दिया, तो माइनस 13 माइनस 13 कैंसिल, 19 कैंसिल, तो मेरा आंसर आएगा 1, ओके? अब फोर्थ वाला क्या है, माइनस 5 अपॉन 8 इंटू माइनस 3 अपॉन 15, तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना रहेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 15 5 3 15, ओके? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा आंसर, और ये 8 5 56, 8 7 56, ओके? तो अब इसको हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे इसके साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे हमारा आंसर 1 आएगा, तो 56 अपॉन 15 करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल, 15 15 कैंसिल, 56 56 कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 1, ओके? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट वाला क्या है, हमको पहचानना है कि कौन सा लाइक प्रॉपर्टी कौन सी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको ये बताना है, मतलब इसमें ऐसा दिया हुआ है। सेकेंड में क्या है, कम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी है, और इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने बताया था आपको ऐसा कौन सा दो नंबर जिससे आंसर हमारा 1 आए कट होने पर और मल्टीप्लाई होने पर, ओके? अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 बोला है, तो -7 अपॉन -16 रेसिप्रोकल इसका, ठीक है? तो हम 6 अपॉन 13 कर देंगे और इनटू इसका रेसिप्रोकल करना है, तो हम लोग -16 अपॉन 7 ले सकते हैं, ओके? हमने अगर इसका -16 अपॉन 7 कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 16 तो वो 96, और माइनस का माइनस, और 13 इंटू 7 तो वो 91, तो ये हमारा हो गया आंसर, ओके? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन आप खुद से करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी करना है जहाँ पे मैंने आपको ये बताया, ओके? अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ओके? यहाँ पर क्या है, इस 8 अपॉन 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 8, वाई और वाई नॉट, मतलब क्यों और क्यों नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, ऐसा कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जिसका आंसर हमारा 1 आता है, ठीक है। तो पहले तो हमने पहला नंबर तो हमको ये मिल गया लाइक 8/9, तो 8/9 इंटू दूसरा नंबर हमको क्या दिया हुआ है -1, 1/8, तो मैंने दोनों को इंटू कर दिया, ओके। तो 8/9 तो मैंने ऐसे चीज लिख दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और 8/1 इज 8+1 तो 9, तो -9/8 हो गया, 9 और 9 कैंसिल कर दिया, 8 और 8 कैंसिल कर गया, तो मेरा आंसर क्या आया है -1। बट मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मुझे -1 नहीं चाहिए। ऐसा कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि कोई ऐसा दो नंबर जिसमें आंसर तुम्हारा 1 आए, -1 भी नहीं, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे पूछा है वाई और वाई नॉट, मतलब क्यों, क्यों, बिकॉज द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा जो प्रोडक्ट आया वो इक्वल नहीं है 1 से, ओके। तो 9 वाला भी सेम एज इट इज़ है, आप ट्राई करना खुद से, एंड 10 और 11 तो काफ़ी ईजी है, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू।